आज सुबह सुबह अभिषेक की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हालांकि वो एल्विश से और मनीषा को बोलते हुए भी नज़र आए कि आज सुबह से सर में दर्द हो रहा है। अब मनीषा ने उसे सुबह ही कहा कि तू अपना ध्यान रख, मैं तेरे लिए अच्छी वाली चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन इसके बाद भी जब फुकरा को थोड़ा लो फील हो रहा था तो अपनी दोस्ती निभाते हुए फुकरा से मनीषा ने एक बहुत बड़ा काम किया है। मनीषा फुकरा को बोलती हुई नज़र आई कि देख, तेरी अगर आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज कोई भी ड्यूटी मत करना, तेरी सारी ड्यूटीज़ आज मैं कर लूँगी, तू थोड़ा आराम कर लेना। जिस पर फुकरा ने कहा कि नहीं नहीं तू भी थक जाएगी, पर मनीषा कहती हुई नज़र आई कि नहीं यार, मैं तो कैप्टन थी, वैसे ही मैंने आराम कर लिया है, मैं कर दूँगी ड्यूटीज़। जिस पर फुकरा जोर जोर से हंसने लगा और मनीषा को कहने लगा कि तूने कब आराम किया, तू तो कैप्टेंसी में भी सारा टाइम काम ही कर रही थी, कभी हमारे लिए पकौड़े बना रही थी, कभी चाय बना रही थी, कभी कॉफ़ी बना रही थी, तुझे आराम ही किसने करने दिया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब मनीषा ने देखा कि फुकरा की तबीयत ठीक नहीं और वो बहुत थका हुआ है और लो महसूस कर रहा है, तो मनीषा उसकी हेल्प के लिए आगे आई है और उसने उसे साफ कहा है कि तू आज कोई भी काम नहीं करेगा। इतना ही नहीं, मनीषा फुकरा को ये भी कहती नज़र आई कि मैं जो है आज सारी ड्यूटीज़ तो कर ही लूँगी और तू जो है फ्रेश होकर बाहर आ जा, मैं आज तेरे लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो ये होती है दोस्ती जो मनीषा और फुकरा की घर के अंदर देखने को मिल रही है। आप इस दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।